नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक युवक को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वह सरपंच का पति है। वह बीच बचाव करने के लिए गया था, मगर एक युवक ने तो पहले उसके साथ ही गाली गलौज कर दी, फिर दो और लोगों के साथ मिलकर उसे जमकर पीटा। अब यह मामला थाने पहुंच गया है। पीड़ित ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला बलौदा थाना के पंतोला चौकी का है। दरअसल गतवा निवासी शिव कश्यप 33 वर्षीय की पत्नी सवित कश्यप गांव की सरपंच है, इसीलिए शिव आए दिन लोगों की समस्याएं सुनता रहता है। 30 दिसंबर को भी वह घर पर ही बैठा था कि उसे गांव के ही एक युवक ने बताया कि गांव की सड़क पर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, वो आपस में मारपीट कर रहे हैं। यह सुनते ही शिव कश्यप उन्हें समझाने गया था। शिव जैसे ही यहाँ पहुँचा, उसने वहाँ मौजूद लोगों को समझाना शुरू किया। वह बीच बचाव करने लगा। इतने में वहाँ पहले से मौजूद विजय बिजवार ही उससे गाली गलौज करने लगा। कहने लगा कि तू काहे का सरपंच है, तू ब्रेकर नहीं बनवा सकता। इस पर शिव ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना, उल्टा घर गया और अपने परिजन रेशम लाल बिजवार व संजय बिजवार को लेकर मौके पर पहुंच गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर शिव को जमकर पीटा, जिससे शिव बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि आसपास के लोगों ने ही शिव को किसी तरह से बचाया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।